19वीं सदी के फ्रांस में लूशियन नाम का अज्ञात शायर था, जिसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए पेरिस जाने का फैसला किया, और इस फैसले की वजह से उसने कला और कलाकारों का वो हिस्सा देखा जो दुनिया के सामने नहीं आता और स्टेज के पीछे छिपा रहता है। इस हिस्से को बेहतर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जो 2021 की फिल्म लॉस्ट इल्यूजन्स के बारे में है। 20 साल का लूशियन फ्रांस के छोटे से इलाके में रहने वाला एक ऐसा शायर है जिसे यकीन है कि कलम की ताकत दुनिया बदल सकती है। वो एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में काम करता है और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अपनी बहन ईव और उसके पति के घर में रहता है। लूशियन की माँ एक रॉयल खानदान की हुआ करती थी, पर आज तक वो कभी अपनी माँ का नाम इस्तेमाल नहीं कर पाया है। उसी इलाके में लुईस नाम की एक रईस औरत रहती है जो कलाकारों को आगे बढ़ाकर उनकी मदद करना चाहती है, और उसी की एक पार्टी में लूशियन को भी जाने का मौका मिला। लूशियन और लुईस एक दूसरे से प्यार करते थे और लूशियन ने उसके लिए एक किताब प्रिंट करवाई। लुईस ने लूशियन को उसका टैलेंट दिखाने का मौका दिया और उसने अपनी लिखी शायरी मेहमानों को सुनाई, मगर उसकी शायरी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आई। और यही सोचकर वो निराश हो गया। लुईस ने लूशियन को हिम्मत दी और लुईस के दोस्त बारोन ने उससे कहा कि उसे अपना काम लोगों को समझाना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी शायरी महसूस करानी है। बारोन की बात मानकर लूशियन दिन रात अपना काम बेहतर करने की कोशिश करता रहा। अपनी कला के साथ साथ वो लुईस पर भी ध्यान देता रहा, पर एक दिन लुईस का बूढ़ा पति उसके सामने आया और उसे उसकी गरीबी को लेकर बुरा भला कहने लगा। लूशियन भी पीछे नहीं हटा और उसने कह दिया कि वो लुईस जैसी पत्नी के लायक नहीं है, मगर उसकी इस बात ने उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। बारोन भी लुईस से प्यार करता था और चाहता था कि वो उसके साथ पेरिस जाए, पर लुईस ने इनकार कर दिया और कुछ ही दिन बाद लूशियन ने लुईस के साथ पेरिस जाने का फैसला किया। पेरिस पहुंचकर लूशियन एक मशहूर कलाकार बनने के सपने देखने लगा, पर बारोन ने लुईस को समझाया कि वो लूशियन के साथ नहीं रह सकती क्योंकि एक गरीब लड़के के साथ रहने से उसकी बदनामी हो सकती है। बारोन ने लूशियन को लुईस के घर से दूर एक कमरे में जगह दी और उसे समझाया कि उसे अपने और लुईस के रिश्ते को एक राज बनाकर रखना होगा। इस एडवेंचर में खूबसूरती ढूंढते हुए लूशियन पेरिस की भागदौड़ भरी जिंदगी का हिस्सा बनने निकला, पर उसे कहीं खूबसूरती नहीं बल्कि सिर्फ रईस लोग और पैसों की भूख नजर आई। उस शाम एक ओपेरा में जाने की तैयारी करते हुए लूशियन को अपनी बहन के दिए पैसे खर्च करने पड़े, मगर महंगे कपड़े खरीदने के बावजूद लुईस और बारोन के आने के बाद ही उसे ओपेरा हाउस में जाने का मौका मिला। उस ओपेरा हाउस में हर किसी की नजर लुईस पर थी क्योंकि उसके साथ बैठे लड़के को किसी ने पहले देखा नहीं था, और लूशियन का नॉर्मल बर्ताव भी वहाँ मौजूद लोगों को बदतमीजी लग रही थी। नेथन नाम का एक मशहूर शायर लूशियन के पास आया और लुईस की बहन के कहने पर वो लूशियन को सलाह देने लगा, पर उसकी बातें सुनने के बजाय लूशियन लुईस के पास चला गया जो किसी बात को लेकर परेशान थी। लूशियन ये नहीं जानता था कि बारोन ने छुपके से हर किसी के कानों में ये बात पहुंचा दी है कि लूशियन एक गरीब लड़का है, और ओपेरा जैसे रईस माहौल में एक गरीब का मौजूद होना पाप की तरह देखा जाता था। लुईस को ना चाहते हुए भी लूशियन को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा, और उसकी बहन उसे समझाने लगी कि उसे अपनी बदनामी का डर रखना चाहिए। एक दिन बारोन लूशियन से मिलने आया और उससे कहने लगा कि अगर लुईस उसके साथ और रही तो उसका खुद का परिवार उसे छोड़ देगा, इसलिए लूशियन को वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए। जब लूशियन ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे भगा दिया गया और उसे पैसे कमाने के लिए उस होटल में काम करना पड़ा जहां कई शायर आते हैं। काम करते हुए मजबूरी में उसने एथियन नाम के एक रईस आदमी का बचा हुआ खाना चुरा लिया, और खाने के साथ साथ उसे एक न्यूज़पेपर मिला जिसकी मदद से उसे पता चला कि कई लोग अपनी लिखी चीजें न्यूज़पेपर कंपनीज को बेचते हैं। अगले ही दिन उसने एथियन से बात की जो उसी न्यूज़पेपर के लिए पत्रकार का काम करता है, और उसने एथियन से कहा कि वो भी एक शायर है और उसे काम की सख्त जरूरत है। एथियन का दोस्त बनते ही लूशियन को पत्रकारों के बीच जाने का मौका मिला, और एक भोला भाला शायर उस भीड़ का हिस्सा बन गया जहां लोग बिना डरे वो बातें लिखते हैं जो सरकार और रईस लोगों को पसंद नहीं आती। लूशियन सिर्फ अपनी कला लोगों तक पहुंचाकर पैसे कमाना चाहता था, पर उसे एथियन के साथ छोटी मोटी पत्रकारिता का काम करना पड़ा जहां वो थिएटर के नाटक को देखकर उनके रिव्यूज लिखेगा। जल्द ही लूशियन का काम शुरू हुआ और वो उस इलाके में गया जहां प्रोस्टिट्यूट्स रहती है। उस इलाके में उसे नेथन भी नजर आया जो अब उसे पहले की तरह मशहूर नहीं लग रहा था। एथियन उसे दौरियात नाम के एक पब्लिशर के पास ले गया जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता पर उसे गिनती जरूर आती है। दौरियात के सामने नेथन भी एक कमजोर इंसान नजर आ रहा था क्योंकि उसे दौरियात की कंपनी में ही अपनी चीजें पब्लिश करवानी थी, और लूशियन समझ गया कि नेथन से ज्यादा एथियन के काम की इज्जत की जाती है।
लुशियन को तब नेथन की बेइज्जती करने का मौका मिला और उसने साबित किया कि वो नेथन से बेहतर कला को समझता है। धीरे धीरे लुशियन को समझ आया कि आज की दुनिया में कला को पैसे कमाने का जरिया ही माना जाता है और जो चीज बिकती है सिर्फ उसी चीज की अहमियत होती है। अचानक एटियन लुशियन को अपने साथ उस थिएटर में ले जाने लगा जहां उसकी गर्लफ्रेंड एक्टिंग करने वाली है और उस रात पहली बार लुशियन ने थिएटर की दुनिया को गौर से देखा। उसे पता चला कि लोग क्रिटिक्स को खरीदते हैं ताकि उनके दुश्मनों के शो को बर्बाद किया जा सके और इसलिए पत्रकार और क्रिटिक्स उस दौर में राज किया करते थे। सिंगाली नाम का एक क्रिटिक वो आदमी था जिससे हर कोई डरता था। उसने अपने साथ नकली ऑडियंस को तैयार करके कई लोगों को बर्बाद किया है और वही एटियन की गर्लफ्रेंड के शो के दौरान कुछ बुरा करने वाला था, इसलिए उसे रोकना जरूरी था। एटियन सिंगाली को रोकना चाहता था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड और दूसरी लड़कियों के हाथ से एक मॉडल बनने का मौका ना छिन जाए। उस वक्त लुशियन को कुराली नाम की एक लड़की नजर आई जो ये सोचकर खुश हो गई कि एटियन सब कुछ संभाल लेगा। एटियन ने लुशियन को पत्रकार की ताकत दिखाई और कहा कि सारे रईस लोग उससे डरते हैं, इसी तरह बारोन और लुईस भी लुशियन से डरेंगे क्योंकि अब से वो रिव्यूज लिखने का काम करेगा। और इस बात को सुनने के बाद लुशियन को कुराली में अपना प्यार मिल गया। उस रात लुशियन को उस नाटक का रिव्यू लिखने के लिए कहा गया। और उसके रिव्यू को पढ़कर सब हैरान हो गए। लुशियन अब घूसखोरी, चालाकी और पैसों की दुनिया का हिस्सा बनने लगा, पर उसे अपने और कुराली के प्यार को भी छुपाना पड़ा क्योंकि एक रईस आदमी कुराली को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर उसे पाल रहा था। ईव को चिट्ठी के जरिए लुशियन ने अपनी नई जिंदगी और पेरिस शहर के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि इस तेज शहर में वो भी तेजी से तरक्की करेगा। एटियन अब अपनी कंपनी का चीफ एडिटर बन गया और पैसों का इस्तेमाल करके उस न्यूज़पेपर कंपनी को दिन पे दिन कामयाबी मिलती गई। हर जगह अब सिर्फ पैसा ही पैसा नजर आ रहा था और लुशियन भी उन लोगों जैसा बनने लगा था। वो लुईस को भी भूलने लगा जिसने एक दिन पेपर में बारोन के खिलाफ लिखा लुशियन का आर्टिकल पढ़ा। वो निराश तो थी पर लुशियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि अब उसे सिर्फ तरक्की से मतलब था। उसने घूस देकर कुराली को एक बड़ा रोल दिलवा दिया और घमंड में आकर उसने कुराली के बॉयफ्रेंड से कह दिया कि अब कुराली को उसकी जरूरत नहीं। अपने इसी घमंड में और पैसों के प्यार में वो कला के लिए अपने प्यार को भूलता गया। वो लुईस और उसके साथियों के सामने ये दिखाना चाहता था कि अब वो रईस हो चुका है, पर उसे अब भी वो इज्जत नहीं मिल पाई जिसकी उसे जरूरत थी। उस रात लुशियन ने कुराली को अपनी पूरी कहानी बताई, पर उसे लुशियन के अमीर या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बीच नेथन ने उसे कहा कि उसे लुईस से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मजबूर है, पर एथियन ने उसे समझाया कि नेथन चालाकी से लुशियन को अपना दोस्त बनाना चाहता है। नेथन से बदला लेने के लिए उन दोनों ने उसकी लिखी किताब चुराई, पर किताब पढ़कर लुशियन को समझ आया कि नेथन का काम असल में अच्छा है। अच्छे काम के बावजूद एथियन और लुशियन ने एक ऐसा रिव्यू लिखा जो नेथन के काम को भद्दा बताए और उस रिव्यू को एक धमकी की तरह उन्होंने दौरियात तक पहुंचाया। उनका प्लान कामयाब हुआ और दौरियात को एक अच्छे रिव्यू के लिए लुशियन की शायरी पब्लिश करनी पड़ी। बदले में लुशियन ने नेथन की किताब का एक अच्छा रिव्यू भी लिखा और जल्द ही लुशियन एक जाना माना पत्रकार और क्रिटिक बन गया। एटियन खुद भी लुशियन की तरक्की देखकर हैरान था और लुशियन शो ऑफ करने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहा था। नेथन से दोस्ती होने पर लुशियन को लुईस की खबर मिलने लगी और एक दिन वो लुईस के बुलाने पर उससे मिलने गया। लुईस ने कहा कि वो लुशियन को उसकी माँ का रॉयल नाम दिलवा सकती है जिसके लिए आज तक लुशियन तरसता रहा। वो फिर से लुशियन के साथ रिश्ता भी शुरू करना चाहती थी, पर लुशियन को अब कुराली से प्यार हो गया था। नेथन अब लुशियन को एटियन के खिलाफ भड़काने लगा और लुशियन अपने ही दोस्त से दूर होने लगा। उसने एटियन के न्यूज़पेपर कंपनी में जाना बंद कर दिया और कुराली के साथ रईस लगने की कोशिश में पैसा खर्चने लगा। आज वो उसी जगह गया जहां से उसे बेइज्जत करके निकाला गया था और उसके पास वही लोग आने लगे जो उससे दूर भागा करते थे। जिस शायरी को सुनकर लोग लुशियन का मजाक उड़ाया करते थे, आज उसी शायरी को सुनकर वो तालियां बजाने लगे। कामयाबी के इस नशे में लुशियन डूबता गया और एक ऐसे इल्यूजन में जीने लगा जहां से बाहर आना नामुमकिन था। कुराली ने उससे ये बात छुपाना शुरू किया कि उनके सर पर कर्ज है
और एतियन ने भी उसके आर्टिकल्स छापना बंद कर दिया क्योंकि वो कभी काम करने आया ही नहीं। एक दिन कोराली लुईस से मिलने गई क्योंकि वो चाहती थी कि लुईस लूशियन की मदद करे। वो पैसे नहीं चाहती थी, बस लूशियन की किताब छपवाना चाहती थी जिसके लिए वो पहले ही एडवांस ले चुका है। और ये सारी बातें जानकर बारोन खुश हो गया। लूशियन नेथन के साथ रईस लोगों की न्यूज़पेपर कंपनी में काम करने लगा जो कबूतरों का इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ फैलाते हैं। लूशियन की गद्दारी की वजह से एतियन उससे नफरत करने लगा और उसने बदला लेने का फैसला किया। लूशियन समझ गया कि सिंगाली की मदद से कोराली को बर्बाद किया जाएगा, इसलिए वो एतियन के न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक फिनो से मिलने गया। फिनो ने कहा कि अगर लूशियन उसके लिए रईस लोगों के खिलाफ कुछ लिखे तो वो लूशियन के सारे कर्ज भी माफ कर देगा और उसे इन आर्टिकल्स के लिए पैसे भी देगा। बदले में वो उसका नाम भी छुपाएगा जिसकी वजह से रईस लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि ये सब कुछ लूशियन ने लिखा है। उसी दिन लूशियन ने उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया और लूशियन फिर से पैसों के नशे में डूब गया। पर अब उसके अच्छे वक्त का अंत आ गया था। लुईस ने लूशियन को कुछ पैसे दिए और उन दोनों का अफेयर फिर से शुरू हुआ। लूशियन ने पैसों से सिंगाली को खरीद लिया ताकि कोराली के खिलाफ कुछ बोला ना जाए और वो नाटक के खत्म होने का इंतजार करने लगा। पर अचानक सिंगाली पलट गया क्योंकि उसे ज्यादा पैसे मिल गए और लूशियन का सब कुछ बर्बाद होने लगा। उस रात लूशियन ने उन सबको खो दिया जो उसके साथ हुआ करते थे और एतियन ने कोराली के बारे में बुरा भला लिखकर अपने न्यूज़पेपर में ये बातें पब्लिश कर दी। इतना ही नहीं, फिनो ने लूशियन की लिखी वो चीजें भी पब्लिश कर दी जिनमें उसने रईस लोगों की बुराई की थी। और सब कुछ खोने के बाद लूशियन ने अपनी माँ का रॉयल नाम भी हमेशा के लिए खो दिया। जल्द ही फिनो की कंपनी पर छापा पड़ा क्योंकि उन्होंने रईस लोगों की बुराई की थी और घूसखोरी के इल्जाम में उस कंपनी को बंद कर दिया गया। अंत में कोराली टीबी की बीमारी से हारने लगी और इलाज के पैसों के लिए लूशियन को छोटे मोटे भद्दे एड्स लिखने पड़े। कोराली का रोल अब एतियन की गर्लफ्रेंड को दे दिया गया, पर सिर्फ नेथन था जो इस सब से खुश नहीं था। जल्द ही कोराली की मौत हो गई और लूशियन पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसे पेरिस छोड़कर हमेशा के लिए अपने गाँव जाना पड़ा और लूशियन की इस कहानी को नेथन ही आगे जाकर दुनिया के सामने लाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।